मेरे भाई मैं आपको टिकट देता हूं प्लेन का, यहां से आप चले जाओ उड़ के, 2 घंटे की फ्लाइट है बागडोरा, बागडोरा से किशनगंज जाओ, फिर वहां से अमूर जाओ, बैसी जाओ, आप जो कि हाट जाओ और वापिस आके मेरे को बोलो तबीयत कैसी थी आपकी। भाई कोई जुनून होना ना, कोई कमिटमेंट होना, कोई दीवानगी होना, कोई मोहब्बत होना, तभी तो इंसान को वहां पर लेकर जाती। हर कोई चले आओ जाओ ना, लोग ताजुब कर रहे थे, मगर मैं सलाम करता हूं बिहार के उन खवातीन को जिन्होंने ये कहकर, क्यों कह, क्या कहकर और दिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, हमारे मंसूर खान जो मलकपेट के मजलिस के सरगम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेंबर है, उनको खवातीन ने कहा कि अब के बार हम पतंग छाप को ओट दें, पतंग बोलते हैं पतंग छाप को ओट देंगे। तो मंसूर खान ने पूछा कि पतंग छाप को क्यों देंगे, किसको देंगे? बोले वो ओवैसी टोपी वाला उसको देंगे। बोले क्यों देंगे? उसको सत्ता का शौक नहीं है, वो लड़ने वाला है। उसको इख्तदार का शौक नहीं है, वो लड़ने वाला है, हमारे लिए को लड़ने वाला पैदा हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बिहार की गरीब आवाम तक, सीमांचल की उस जमीन पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम पहुंच चुका है। आज बड़ी उम्मीदों के साथ मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात की आवाम ये देख रही है कि क्या मजलिस राजस्थान को आएगी, क्या मजलिस बंगाल में इलेक्शन लड़ेगी, क्या मजलिस कर्नाटका में जाएगी। मैं इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, अल्लाह जब तक मेरी जिंदगी वफा करेगी, मैं पूरी कोशिश करता रहूंगा, इसलिए कि ये मोहम्मद गौस और उन तमाम मजलिस के कायदीन की कुर्बानियों को हम रायगा जाने नहीं देंगे। हमारी शुरुआत हम्बल बिगनिंग से हुई, सही है बात, लोग आते नहीं थे, कम लोग थे, पुलिस के जुल्म का शिकार होना पड़ता था, फसादात में हमने अपने परचम को मजबूत किया, फसादात में नुकसानात को हमने बर्दाश्त किया। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर फिरका परस्ती का इल्जाम लगाते हैं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुमको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात मजलिस के ताल्लुक से करते हुए। बताओ तेलंगाना बनकर 6 साल हुए, क्या शहर हैदराबाद में कोई फसाद हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह कोई फसाद नहीं हुआ। हां चुटपुट वाकयात होते हैं, वो पुलिस का कभी वाकयात होते थे तो हमने पुलिस को भी कहा कि आप अपना काम करिए, हम ताउन करने तैयार। पूरे शहर में अमन को बरकरार रखा। इसमें मजलिस का रोल नहीं है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कभी हिंदुओं के खिलाफ कोई बात नहीं कही, बल्कि दारुसलाम में जब हम बैठते हैं, मैं पूछना चाहता हूं क्या बीजेपी का दफ्तर खुला रहता है साल के 12 महीने? क्या टीआरएस के दफ्तर में कोई जाकर बैठता है? हां इलेक्शन मौसम, इलेक्शन आ गया तो ऐसा लगता है कि बहार आ गई कांग्रेस के, टीआरएस के, बीजेपी के दफ्तरों में। और जैसा ये इलेक्शन का मौसम 10 दिन के बाद खत्म हो जाता तो ऐसा लगता है कि कोई वीरान खंडेर बना हुआ है। मगर एक पार्टी का सियासी दफ्तर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमेशा आबाद है और आबाद रहेगा साल के 12 महीने, और सुबह कयामत तक आबाद रहेगा, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दफ्तर दारुसलाम है। ये काम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। आप फिरका परस्ती, अरे दारुसलाम में हर कोई आता है, हर कोई आकर काम लेता है, किसी से पूछा नहीं जाता कि तुम्हारा नाम क्या है। अगर कोई कहता है कि राजमोहन है तो हम कहते हैं बोलो राजमोहन तुम्हारा क्या काम है। अगर कोई कहता है कि मेरा नाम स्वामी यादव है तो हम उससे कहते हैं कि बताओ यादव साहब आपका क्या काम है। अगर कोई कहता है कि मैं रवि हूं, दलित हूं, मादिका हूं, तो हम बोलते बताओ तुम्हारा क्या काम है। कोशिश करते हैं, काम होना नहीं होना वो अल्लाह के हाथ में है। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बड़ी नफरत है, मजलिस से बग़्ज़ है कि ये हमेशा आवाम के दरमियान में रहती हैं। अल्लाह की क्या मर्जी थी अल्लाह जानता है। कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो गरीबों में जाकर अगर किसी ने राशन बांटा तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जफर ने बहुत काम किया था, गरीबों में राशन को बांटा, किट ले जाकर दिए, ये काम भी तो मजलिस ने किया, अकबरुद्दीन अवैसी ने किया, अहमद बलाला ने किया, जमात के जिम्मेदारों ने किया, माजिद हुसैन ने किया,
जाफर हो, हमारे जाफर एमएलए साहब ने किया, लोग रातों में फोन करते थे। ये मई और जून का महीना बड़ा सख्त गुजरा हैदराबाद के लिए। रात के 12 बजे फोन आता था मुझे, दवाखाना नहीं मिल रहा, दवाखाना नहीं मिल रहा है। हम कोशिश करते थे कि चलो दवाखाना कहाँ है, मुश्ताक को बोलता था मालूम करो यहां पर है, गांधी अस्पताल में लेकर गए। आपको मालूम कोरोना में अगर सबसे पहले किसी का कोविड पेशेंट का डायलिसिस हुआ तो किसने कराया? मंजलिस ने करवाया। एक मलकपेट की हमारी मां है, 70 साल की थी, बकरीद से पहले उनके बेटे ने बड़े गुस्से में फोन किया, अरे क्या है भाई आप लोग मिलते नहीं, आप लोग कल इलेक्शन में आते। मैं बोला भाई साहब क्या हुआ बोलो, तो उसकी आवाज थोड़ा गुस्से में थे, मां की तकलीफ इंसान को परेशान कर देती। इसने कहा कि असद भाई मेरी अम्मा की तबीयत बहुत खराब है, एक बड़े 5-स्टार हॉस्पिटल वाले मेरी मां को निकाल दिए, कोरोना हो गया बोलकर, डायलिसिस नहीं करा रहा। तो मैं फौरन गांधी हॉस्पिटल में रेड्डी साहब को फोन किया जो उस वक्त उनके लियाजॉन ऑफिसर थे, तो मेरा लेना पड़ेगा, बोले बिजाओ सर साहब करेंगे। पहला कोविड पेशेंट का डायलिसिस हुआ, कहां हुआ? गांधी हॉस्पिटल में हुआ। और वो हमारी अम्मा, उनके बेटे बाद में फोन किए, नहीं मेरी अम्मा का पेशाब की थैली साफ नहीं हो रही। तो मैंने कहा कि मैं डॉक्टर से कहा, तो डॉक्टर ने फोटो लेकर मुझे भिजाई और मैंने उनके फर्जन को व्हाट्सएप पर भिजाया। फिर हमारी मां बकरीद के दिन मलकपेट को वापस गई और वहां जाकर फोन करके कहा कि सदमिया तुम्हारे को अल्लाह अच्छा रखे, अल्लाह ने मुझे सेहत दे दी। ऐसे कई वाकयात, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम है। अब ये प्यारे आके दिल्ली से बोल रहे इनको दिए तो ऐसा, इन उनसे मिले हुए है, इनसे उन्होंने मिले हुए। हाँ ये बात याद रखो कि मजलिस काम करती आई है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करती रहेगी। जब शहर हैदराबाद में बहुत से लोगों की कोरोना से मौतें हुई, कब्रस्तानों में लोग एतराज कर रहे थे, तो 2018 के असेंबली इलेक्शन में अकबरुद्दीन अवैसी ने चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी करके बालापुर के पास फकीर मुल्ला कब्रस्तान के लिए 30 एकड़ जमीन हासिल की। मैं बोला वहां पर अहमद सादी को, अहमद सादी शुरू करो कब्रस्तान में, सबको भिजाता हूं, बगैर वहां पर जो भी खोदने के पैसे लेकर वहां पर तदफीन शुरू हुई। हर मामले में मजलिस आपके दरमियान में ठहरी रही और इंशाल्लाह ठहरी रहेगी। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 1 दिसंबर के दिन पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए, पोलिंग परसेंटेज हमारा कम नहीं होना चाहिए। ये 40-45 क्या है मेरे भाई, कम से कम 60% तो आपको करना है, 60% तो पोलिंग करिए, निकलिए अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब की बार इलेक्शन बैलेट पेपर के ऊपर होगा, बैलेट पेपर पे देखेंगे और जहां पर पतंग का निशान होगा आप वहां पर स्टैंप या ठप्पा मारकर उसको अच्छा फोल्ड करके दोबारा आप उस डब्बे में डाल देंगे। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए, मजलिस आपकी जमात है और मजलिस आपका ही काम करती आ रही है, और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये पूरा काम करती रहेगी। मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूं, उन मुखालिफीन ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में क्या बोल सकते कि बेचारे शेख को भी खुश रखना चाहते और शैतान को भी नाराज ना, यानी शेख भी खुश रहे शैतान भी नाराज ना हो। मैं मुखालिफीन मजलिस से कह रहा हूं कि मैं शैतान को नाराज करूंगा इंशाअल्लाह। आप सब शैतान को नाराज करेंगे ना, पूरे करेंगे ना, शैतान को नाराज करेंगे या शेख को नाराज करेंगे? इतना आसान एग्जाम, शैतान को नाराज करना है। अब जाके जहां पतंग का निशान दिखेगा टपाटप 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 मारते रहना, और उससे पहले हवा में ऐसा खींच 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 पूरा का पूरा शादी में से साफ इंशाअल्लाह होता है। बहुत बातें कर रहे थे, आज इनको मालूम हो गया बिहार में क्या हुआ, बहुत मजाक उड़ाते थे। खैर अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, अल्लाह इज्जत देने वाला है, अल्लाह जिल्लत देने वाला है, और अल्लाह दिलों का हाल जानने वाला, अल्लाह दिलों का हाल जानने वाला, अल्लाह नियतों पर अता करने वाला है।
बिहार का इलेक्शन अल्लाह जानता है कि बेसरो सामानी के आलम में हमने इलेक्शन लड़ा, बेसरो सामानी के आलम में हमने इलेक्शन लड़ा, कैसे कैसे मुश्किलों से हमको गुजरना पड़ा। ये कांग्रेस के लोग मंजलिस के लोगों की गाड़ी रोककर इतना मारे कि कपड़े फट गए थे, मगर उसके बावजूद भी अल्लाह खुश रखे तैयब को, हमारे बंबई के सदर फैयाज साहब को, उन्होंने दूसरे दिन सुबह फिर कहा हम फिर वहीं जा रहे हैं गांव में। अरे मैं बोला रुक जाओ भाई, बोले नहीं साहब ये नहीं हो सकता, डर हमारे करीब आ नहीं सकता। मेरे नौजवानों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, अब आपका काम यह है कि आप हमारे इस भड़काव भाषण के क्लिप्स बनाकर अपने व्हाट्सएप पे डालो, फसाद बुक पे डालो, और क्या स्नैपचैट, क्या स्नैपचैट है ना वो, स्नैपचैट पे डालो, और कौन सा और एक है ना खिलौना, इंस्टाग्राम। अरे थोड़े सूर्य भी याद कर लो अच्छा रहता, कैसा तड़प के बोले इंस्टाग्राम। अब बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों।